आज हम लोग बनाएंगे पूरन पोली स्पेशल आसान तरीके से। तो ये है आधा किलो मैदा, इसमें थोड़ा एक आधा चम्मच नमक और बेकिंग सोडा और थोड़ा सा तेल डाल के आटा गूंद लेंगे। और ये पहले से मैंने चने की दाल बॉईल करके इसमें इलायची और गुड़ डाल के मिक्सी में पीस ली। आसान तरीका, एकदम झटपट बनने वाली पूरन पोली। अब ये पूरन पोली का आटा मैंने अच्छे से मसल मसल के 10 मिनट गूंद ली हूँ और अब इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। फिर अपनी पूरन पोली हम लोग ये अपना आटा भी आधा घंटा रेस्ट हो गया। अभी हम पूरन पोली के लिए तैयारी करते हैं बनाने की। बहुत सारे लोग से बेला नहीं जाता ये तो, क्योंकि वो जो बैटर बनता है ना चने की दाल और उसका गुड़ का, वो नरम हो जाता है ना तो फिर वो फट के बाहर आ जाता है, नहीं मिलेगा। एकदम सूखा रहना चाहिए, पूरी तरह से चने की दाल को बॉईल करके फिर गुड़ डालना। उसका पानी भी तो छोड़ा, हाँ उसका लेने का। हमारी पूरन पोली हो गई है तैयार खाने के लिए। इसको चाय से, दूध से और अपना मलाई से खा सकते, बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। और ये आप अपने किचन में बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।